हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार और फिर स्वागत है। मेरा नाम है भावेश नागला। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5-6 ऐसी ट्रिक्स अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। जिस किसी के पास में भी एंड्रॉयड फ़ोन है उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नहीं भी पता तो हम आप ये वीडियो देख के जान सकते हैं और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से ही पता है तो और अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है वो चीज़ें ये जान लें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले तो मैं आपको बताऊँगा जैसे ऑन और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हमने अपना मोबाइल लॉक किया मैंने, अब आप देख सकते हैं एक ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू है मेरी। यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा रहा डेट के नीचे, तो मैं आपको वहाँ एक नाम आएगा वो दिखाता हूँ दोस्तों। पहले आपको सेटिंग में जाना होगा दोस्तों, उसके बाद में आपको सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसमें आ गए दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे इन्फो एंड ऐप शॉर्टकट दिख रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑनर इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, आप इस पर क्लिक कीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट करने के लिए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नाम है भावेश नागले, तो मैं डाल देता हूँ। मैंने ये डन कर दिया, ठीक है। अब ये बैक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसे लॉक करता हूँ, तो आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम आ गया भावेश नागले, ठीक है दोस्तों। टिप नंबर 2, मैं आपको अब जैसे अपनी जो स्क्रीन है आपको कहीं पे भी एक जूम करके बताऊंगा, ठीक है। आपने देखा होगा हम हमारी गैलरी और MX प्लेयर में जो वीडियो होते हैं उसी को जूम कर पाते हैं, और गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ होती है उसको जूम कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ ये कैसे ऑप्शन ऑन होगा, ठीक है। सबसे पहले ये सेटिंग में जाना है दोस्तों। इसमें भी यहाँ पे आएगा आपको एसेबिलिटी करके एक ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं आपका एसेबिलिटी ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आप ओके कीजिए। यहाँ पे आपको विज़न करके एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको नीचे में मैग्निफिकेशन गेस्चर दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे आपको ये ऑफ दिख रहा है तो आप इसे ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब हम बैक कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होगा, हम कहीं पे भी सिर्फ 3 बार टच करेंगे लगातार तो वहाँ अपने आप ऑटोमेटिक जूम हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3, ये देखिए जूम हो गया और ऑटोमेटिक मैंने 3 बार टैप किया तो बैक आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे मैं कुछ यानी यहाँ पे जूम करता हूँ तो ये जूम हो गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप अपने जैसे ब्राउज़र या कोई वेबसाइट कहीं पे भी इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया टिप नंबर 2, ठीक है। अब दोस्तों आपने एक प्ले स्टोर देखा होगा, ठीक है। इसी के समान ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप प्ले स्टोर से ही सारे ऐप यानी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उससे आप पेड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर है गेट APK मार्केट, यहाँ से भी आप ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वो भी पेड ऐप, ठीक है। इसकी लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे मेरे पास में एक रिकॉर्डिंग वाला है प्रो वर्ज़न, उसमें 1000 रिकॉर्डिंग होती है। जो सिंपल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है मेरे पास में वो है, उसमें 300 ही रिकॉर्डिंग होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग प्रो, तो इसमें अपने को प्रो वर्ज़न में क्या होता है अपने को फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं इसे पैक कर देता हूँ, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है।
आप उसे भी देख सकते हो और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। और चौथी चीज़ है दोस्तों, एक एक्सेस द डेवलपर ऑप्शन, ये कई लोगों को पता नहीं होता, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता तो आप ये वीडियो आगे तक के देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये डेवलपर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में नहीं आ रहा है तो आपको अबाउट सेटिंग डिवाइस में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 5 या 7 बार लगातार क्लिक कीजिए, टैप कीजिए, तो वो ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये नो नीड डेवलपर मोड है, सेलिब्रिटी पेन एक्टिवेट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो बता रहा है कि आपने पहले से एक्टिवेट करके रखा है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऊपर में डेवलपर ऑप्शन। तो डेवलपर ऑप्शन में क्या फ़ायदा है दोस्तों अपने को, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो मोबाइल की स्पीड होती है, ठीक है, जैसे एक फ़ायदा तो ये, जैसे आपको दिख रहा होगा मैं ये टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टचर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑन है इसलिए आ रहा है, अब मैंने इसे बंद कर दिया तो नहीं आ रहा, अब इसे ऑन किया तो ये आ रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है इसलिए ऑन करके रखा है मैंने। और एक दूसरा है विंडोज़ एनिमेशन, ये चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जैसे ये जो एनिमेशन जो स्पीड है इसको अगर मैं 10x करूँगा, अब बैक करूँगा बहुत ही लेट बैक हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो ये कितने देर बाद खुल रहा है, ये देखिए बहुत टाइम लगा रहा है, ठीक है। तो इसे हम 0.5x पे कर देंगे तो बहुत फास्ट फास्ट खुलेगा, ये देखिए। तो आप भी 0.5x पे कर सकते हैं, ठीक है। एक है ट्रांसमिशन है एनिमेशन, इस पर भी अगर आप चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और 0.5x पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ये भी वही ऑप्शन करता है काम है, ठीक है। और भी इसमें आप नीचे में जो चीज़ें जैसे कि एप्लीकेशन में लिमिटेड बैकग्राउंड प्रोसेसर, मैंने स्टैंडर्ड लिमिट पे क्लिक कर रखा है, आप चाहे तो बैकग्राउंड में कितनी प्रोसेस यानी जो ऐप है वर्क करते रहे वो अगर ओके करना चाहते तो एटमोस्ट 4, 3, 1 नो बैकग्राउंड प्रोसेस, इस टाइप से किसी पे भी क्लिक करके रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया चौथी टिप्स, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको पांचवी टिप्स बताता हूँ। आपने देखा होगा कि हम कई बार कॉल पर बात करते हैं तो बाद में हम उसमें कोई बटन नहीं होती है, ठीक है, काटने के लिए, तो हमें जो मोबाइल को कान पे से हटाना पड़ता है और फिर उसको रेड बटन में से क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ, जैसे मैंने 198 पे कॉल किया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रही है तो आपको इसे क्लिक करना पड़ता है। तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ जिससे आप अपनी लॉक बटन दबाओगे तो फ़ोन कट जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप जान सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अपनी ये फ़ोन में आना है, ठीक है, यहाँ पर मोर ऑप्शन में गए, ठीक है, सेटिंग में जाना है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैंने जो एंडिंग कॉल है बाय प्रेसिंग पावर की ऑन करके रखी है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं पावर की बटन दबाता हूँ तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक कट जाता है। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप इसमें चेक कर सकते हैं बाय प्रेसिंग होम की, अगर आपको स्लाइड करके नहीं उठाना तो आप बीच के बटन दबाएँ, आपका फ़ोन उठ जाएगा। फ्रेंड्स एक टिप्स और है मैं आपको बताता हूँ,
आप देखिए, जैसे मैंने मोबाइल लॉक किया अभी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पासवर्ड खोलता हूँ तो यहाँ पे जैसे कुछ है ना लाइनिंग वगैरह नहीं आती है, तो मैंने अंदर से बंद करके रखी है, ठीक है। तो आपको पहले सेटिंग में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो अपना लॉक होता है, यहाँ पे लॉक स्क्रीन सिक्योरिटी में जाइए। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लॉक सेटिंग है, ठीक है, आप इसमें जाइए। यहाँ पे आपको ऊपर में एक मैक पार्टनर विजिबल दिख रहा है, मेरे इसमें ये ऑफ है, आपके इसमें ये शायद ऑन होगा। तो आपने कई बार देखा होगा, आप लॉक करते हो फिर लॉक ऑन करते हो, ठीक है। तो ये पासवर्ड डाला, ये जो लाइनिंग आती है इससे सामने वाला अगर आपका मोबाइल देखता है, फ़ोन देखता है, तो उसे आपका पासवर्ड पता लग जाता है, ठीक है, क्या है। तो मैंने ये जो ऑप्शन है ये ऑफ कर दिया। अभी मैंने ये लॉक किया फ़ोन, मैं इसे ऑन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये लाइनिंग हट गई है और ये फ़ोन लॉक ऑन हो गया। तो ये थी मेरी लास्ट टिप। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में एक नोटिफिकेशन आएगी, उस पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो कमेंट्स में बताएं दोस्तों, वो वीडियो को लाइक करें, आपको कैसा लगा है, अगर कोई कमी है तो बताइए, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।